क्या आपको भी लगता है कि सिर्फ मनी है जिससे आपको वेल्थ मिलता है, आप एक वेल्दी पर्सन बनते हैं? तो शायद आप गलत हैं, क्योंकि अगर आप रॉबिन शर्मा की बात सुने तो मनी इज जस्ट वन फॉर्म ऑफ वेल्थ, एंड इसके अलावा 7 और वेल्थ के फॉर्म होते हैं। और इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ इस रॉबिन शर्मा की नई बुक का रिव्यू। सो प्लीज स्टे ट्यून टिल द एंड, एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यूज दैट रेड बटन, अभी कर लो। बहुत सारे नए नए इंटरेस्टिंग अमेजिंग वीडियोस आने वाले हैं। वेलकम एवरीवन टू दिस चैनल, एंड आई एम सो एक्साइटेड क्योंकि रॉबिन शर्मा, आई एम अ बिग फैन ऑफ रॉबिन शर्मा एंड ऑल हिज बुक्स। एंड व्हेन आई गॉट टू नो कि रॉबिन शर्मा ने एक अपनी नई बुक पब्लिश की है, द वेल्थ मनी कांट बाई, मैं बहुत एक्साइटेड था। बट आई बिकेम एक्स्ट्रा एक्साइटेड जब मुझे पता चला कि रॉबिन शर्मा लंदन आ रहे हैं एंड आई कैन एक्चुअली सी हिम लाइव। सो इनफैक्ट इन मे ऑफ 2024 आई वेंट टू एन ऑडिटोरियम इन लंदन जहाँ पे रॉबिन शर्मा एंड अली अब्दाल बोथ वेर देयर, एंड रॉबिन शर्मा टॉक्ड फॉर एन आवर अबाउट द बुक, आंसर्ड लॉट ऑफ क्वेश्चंस, एंड ऑल्सो टूवर्ड्स द एंड आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू गेट अ हैंड साइंड बुक। सो आई हैव गॉट द ऑटोग्राफ्ड बुक बाई रॉबिन शर्मा। लेट मी एक्चुअली शो यू, यू कैन सी रॉबिन शर्मा, ही साइंड इन फ्रंट ऑफ मी एंड आई गॉट अ चांस टू गेट अ पिक्चर। दैट वॉज लाइक वन ऑफ द बेस्ट बिग बकेट लिस्ट ऑफ माई लाइफ। बट लेट्स टॉक अबाउट कि आप क्या सीख सकते हैं। तो पहले लेट मी टेल यू, अगर आप रॉबिन शर्मा को नहीं जानते हैं, प्लीज़ गो एंड रिसर्च अबाउट हिम। ही इज़ वन ऑफ द लीडिंग लीडरशिप कोच इन द वर्ल्ड, एंड लोग माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, HP, PwC एंड ऐसे बहुत बड़े बड़े जाइंट कंपनीज, दे गेट द एडवाइस फ्रॉम रॉबिन शर्मा। ऑल्सो यू नो US प्रेसिडेंट्स, बिलीनियर्स, स्पोर्ट्स स्टार्स, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, दे ऑल हैव लर्न फ्रॉम रॉबिन शर्मा। सो ही इज़ द रॉबिन शर्मा इज दिस, एंड ही हैज़ रिटन मेनी बुक्स। अगर आपने नहीं पढ़ा है, हाईली रिकमेंडेड द बुक कॉल्ड द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, वन ऑफ द ऑल टाइम्स बेस्ट सेलर बुक, एंड देर आर सो मेनी अदर बुक्स। देर आर नो फैबुलस। सो लेट मी गिव यू सम ऑनेस्ट ओपिनियन अबाउट द बुक बिफोर यू प्रोसीड फर्दर। सो इस बुक में रॉबिन शर्मा बात करते हैं 8 तरीके के वेल्थ, जिसमें ऑब्वियसली देर इज़ अ मनी प्रॉस्पेरिटी फैक्टर, बट और भी चीज़ें हैं जो बात करेंगे। बट दिस बुक इज़ नॉट अ बिजनेस फेबल, क्योंकि इफ़ यू हैव रेड रॉबिन शर्माज बुक लाइक द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, द लीडर हू हैड नो टाइटल, देयर इज़ एन अंडरलाइन स्टोरी देयर जो कि बुक के स्टार्ट से लेके अंत तक जाती है। बट ये जो बुक्स रिसेंटली रॉबिन शर्मा ने लिखनी शुरू की है, जैसे कि द एवरीडे हीरोज मैनिफेस्टो, मैंने उसका भी एक वीडियो बनाया था कुछ साल पहले, वो समवेयर यहाँ पे लिंक मिल जाएगा आपको अगर उसको देखना है इस वीडियो के बाद। अभी रिसेंटली रॉबिन शर्मा है स्टार्टेड राइटिंग मोर ऑफ वन चैप्टर एट अ टाइम। सो यू टेक वन चैप्टर, यू रीड इट एंड यू आर डन विद दैट चैप्टर, देर इज़ नो सीक्वेंसिंग डन। तो यू कैन रीड एनी चैप्टर फ्रॉम एनी प्लेस, विच एवर वे यू लाइक, एंड दैट्स हिज वे ऑफ न्यू स्टाइल ऑफ राइटिंग टू से। नाउ सम पीपल लव इट, सम पीपल हेट इट। आई पर्सनली आई एम नॉट अ लवर, बट आई एम एट द सेम टाइम आई एम नॉट अ हेटर। तो मुझे बहुत ज़्यादा भी पसंद नहीं है, बट एट द सेम टाइम आई कैन ऑलवेज लर्न समथिंग फ्रॉम रॉबिन शर्माज राइटिंग। सो दैट वॉज अ डिस्क्लेमर आई वॉन्टेड टू गिव। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि वो कौन सी आर्ट वेल्थ के फॉर्म है जो रॉबिन शर्मा बात करते हैं। सो द पहला फॉर्म ही टॉक्स अबाउट इज द फॉर्म ऑफ ग्रोथ, वेयर यू आर डेली इम्प्रूविंग, इट्स कॉल्ड द डेली सेल्फ इम्प्रूवमेंट हैबिट। वेन यू आर एक्सपीरियंसिंग ग्रोथ, वेन यू आर प्रोएक्टिवली वर्किंग, दैट्स वेयर यू आर गेटिंग वेल्दी, नंबर वन। नंबर टू इज वेलनेस, राइट? एज दे से कि अगर इफ यू अर्न ऑल द मनी इन द वर्ल्ड बट इफ यू कांट एंजॉय इट, यू कांट हैव गुड टाइम विद फैमिली, यू कांट गो आउट, दिस नो पॉइंट इन हैविंग दैट मनी। एंड दैट्स वॉट रॉबिन शर्मा से दैट द सेकेंड फॉर्म ऑफ वेल्थ इज वेलनेस, वेयर यू आर एबल टू ऑप्टिमाइज योर हेल्थ। आपका हेल्थ अच्छा है, आपका फिजिक अच्छा है, यू आर डूइंग एक्सरसाइज, यू आर गोइंग आउट, यू आर स्पेंडिंग गुड टाइम, दैट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ वेल्थ। द थर्ड फॉर्म ऑफ द वेल्थ इज द फैमिली, एज यू से द हैप्पी फैमिली हैप्पी लाइफ हैबिट।
When you are able to spend time with your loved one, when you are able to really interact with your family and friends and people who really look up to you, this is a boon. This is like a great service done to you. So the third form of wealth that he talks about is the family. Now, I'm not going into individual section. I don't want to take the thunder out of the book, so I'm not telling you exactly what are the different chapters, different techniques he talk about, but I'm giving you the overview of the book so that if you feel this resonates with you, you can go ahead and buy. Number four he talks about is the क्राफ्ट. कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप कुछ बहुत ही अच्छा इंटेंस काम कर रहे हैं और आपको टाइम का पता ही नहीं चला? दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ वेल्थ, बिकॉज वेन यू वर्क एज अ प्लेटफॉर्म एंड योर प्लेटफॉर्म सर्व एज अ पर्पज, दैट्स वेन बिकम्स अ वेल्थ. सो ही टॉक्स अबाउट द फोर्थ फॉर्म ऑफ वेल्थ एज द क्राफ्ट, विच इज द वर्क एज अ प्लेटफॉर्म फॉर पर्पज, यूर सर्विंग अ पर्पज. नंबर फाइव ऑफकोर्स इज द मनी, वेयर ही से दैट यू शुडन्ट बी वर्किंग फॉर मनी, मनी शुड बी वर्किंग फॉर यू. यू शुड गेट द वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी सो दैट दैट इज नॉट गोइंग फुल टाइम इन योर माइंड. सो द फिफ्थ फॉर्म ऑफ वेल्थ इज द प्रॉस्पेरिटी एज अ फ्यूल फॉर फ्रीडम. यू शुड लुक फॉर फ्रीडम वर्सेज लुकिंग एट अक्यूमुलेटिंग मनी. नंबर सिक्स इज द कम्युनिटी. आई लव दिस वन बिकॉज देर इज अ डीप इननेट डिजायर कि हमें कम्युनिटी का पार्ट होना है, हमें एक ग्रुप का सदस्य होना है. सो वेन यू वर्क ऑन बिल्डिंग योर सोशल नेटवर्क, नॉट ओनली ऑन फेसबुक, ट्विटर एंड गूगल, बट ऑल्सो बिल्डिंग एंड मीटिंग पीपल इन योर कम्युनिटी एरिया, इन योर सिटी, इन योर क्राफ्ट, इन योर इंटरेस्ट एरिया, यू फील रियली एम्पावर्ड. सो दैट्स वॉट ही से दैट द सिक्स्थ फॉर्म ऑफ वेल्थ इज द कम्युनिटी वी आर यू बिकम योर सोशल नेटवर्क हैबिट. सेकेंड लास्ट और सेवेंथ वन इज द एडवेंचर, वेयर वेन यू गो आउट एंड यू एक्सप्लोर थिंग. आपको खाना बनाना अच्छा लगता है, आपको बंजी जंपिंग करना अच्छा लगता है, वॉट एवर इज द एडवेंचर यू डिजायर फॉर, क्रेव फॉर, इफ यू वर्क ऑन दैट यू आर अ वेल्दी पर्सन. सो दिस फॉर्म ऑफ वेल्थ इज कॉल्ड एडवेंचर. द जॉय कम्स फ्रॉम एक्सप्लोरिंग, नॉट पजेसिंग हैबिट. एट्थ एंड द फाइनल फॉर्म ऑफ वेल्थ ही सेज इज द सर्विस, वेन यू आर एबल टू सर्व, वेन यू एज ही से वेन यू लिव फुल एंड डाई एम्प्टी, विच मीन दैट यू हैव डन वॉट एवर यू कैन टू सर्व ह्यूमैनिटी, टू सर्व योर कम्युनिटी, टू मेक एन इम्पैक्ट, दैट्स वेन यू आर वेल्दी. सो द एट्थ फॉर्म ऑफ वेल्थ इज द सर्विस. द लाइफ इज शॉर्ट टू बी वेरी हेल्पफुल, शॉर्ट सो बी वेरी हेल्पफुल हैबिट. आई होप दीज आर द दीज हेडर्स, दीज मॉड्यूल्स, वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल, विल गिव यू एन इनसाइट कि आपको ये बुक अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी. आई लव दिस बुक. सम ऑफ द चैप्टर्स आर वेरी नाइसली रिटन दैट यू वॉन्ट टू गो. इन सम चैप्टर्स देर आर स्टोरीज विच आर वेरी इम्पैक्टफुल एंड यू नो एज अ स्टोरी टेलिंग कोच आई एम ऑलवेज लुकिंग फॉर स्टोरीज. सो आई फाउंड सम वेरी वेरी अमेजिंग स्टोरीज. सो या आई डोंट हैव एनी रिग्रेट ऑफ रीडिंग द बुक वेल्थ मनी कांट बाई. आई रिकमेंड इफ यू आर अ फैन ऑफ रॉबिन शर्मा यू शुड नॉट मिस इट. ओके एंड फॉर मोर सच बुक रिव्यूज कॉमेंट करके बताएगा कि आपको और कौन सी ऐसी बुक है जिसका रिव्यू आप चाहते हैं कि मैं करूँ. एंड ऑल्सो और ऐसा कौन से टॉपिक्स हैं, स्टोरी टेलिंग, पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन, जिसमें आपको इंटरेस्ट है, ताकि मैं उस हिसाब से आपके लिए वीडियो बना सकूँ. अंटिल नेक्स्ट टाइम, एज आई से एवरी टाइम, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप गोइंग आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.